गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और इस व्लॉग में हम ढूंढेंगे मांडले में इंडियन फूड। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ और ढूंढते हैं मिलके यहाँ पे मांडले में इंडियन फूड मिलता भी है या नहीं, और बता देंगे आपको आगे व्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय। तो मैं अभी यहाँ पे मांडले पहुँच चुका हूँ, और ये जो पीछे देख रहे हैं आप, गोल्डन सिटी हॉस्टल, गोल्डन सिटी लाइट हॉस्टल। तो ये मेरा हॉस्टल है यहाँ पे, और अभी मैं यहाँ पे होटल से, अपने हॉस्टल से फ्रेश होके निकल रहा हूँ, लंच करने के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे अभी ढूंढना है इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे इंडियन फूड मिल जाए। तो ठीक है, उसके लिए अभी वही अपना गूगल मैप का हेल्प लो आप, और उसमें सर्च करो इंडियन फूड नियर बाय, तो आपको सजेशन मिल जाते हैं। मुझे भी एक सजेशन मिला है यहाँ पर अभी। तो अभी मेरे हॉस्टल से बिल्कुल पास ही था, कुछ 400 मीटर। तो ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ उस डायरेक्शन में, तो अभी जाके पहुँचेंगे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या खाना मिलता है और प्राइस वगैरह कैसा है, सारा कुछ बताऊँगा आपको। तो अगर आप मांडले आते हैं और यहाँ पे आप रुकते हैं, तो आपको यहाँ पे भी इंडियन खाना मिल जाता है, जैसे बगान बोल रहा हूँ, जैसे यांगोन में मिला था। तो ठीक है, एक बार मैं मैप चेक कर लेता हूँ कहाँ पर वो लोकेशन, और उसके बाद फिर चलेंगे हम। ओके, तो उसके आगे वाले गली में है। तो जो रेस्टोरेंट, उसका नाम है डायमंड रिंग। तो काफ़ी, मतलब कि रेटिंग अच्छे हैं उसके, और पास भी था इसलिए मैं जा रहा हूँ। और इवनिंग में देखते हैं, और एक है यहाँ पे इंडियन तड़का या ऐसा कुछ नाम है उसका, तो उस पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। वो थोड़ा सा डिस्टेंस में, 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो देखते हैं, इवनिंग में जा सकते हैं तो इवनिंग में जाएँगे। अभी तो सुबह से कुछ खाए नहीं थे, बस अभी ब्रश करके नहा के अभी बस निकल ही रहा हूँ। तो ठीक है, अभी बस पहुँचते हैं और उसके बाद फिर खाना ऑर्डर करते हैं और फिर बताते हैं खाना कैसा है। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ और बस मिलते हैं बहुत ही जल्द, शॉर्टली, सी यू सून, बाय। ओके, तो गाइस, ये है वो रेस्टोरेंट जिसका नाम है डायमंड रिंग, और गूगल के रिकमेंडेशन से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और ट्राई करने वाला हूँ खाना कैसा है, बताऊँगा आपको फिर बाद में। तो ठीक है, अंदर चलते हैं अभी और मेन्यू देखते हैं कि प्राइस वगैरह कितना है, और जब खाना आ जाएगा फिर टेस्ट वगैरह सारा कुछ रिव्यू करेंगे इस ब्लॉग में। तो मिलते हैं अंदर। वेल, मैंने ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर और रोटी तवे वाली। रोटी तो अच्छी लग रही है, एकदम फुलके वाली, और करी खाने के बाद पता चलेगा। तो ठीक है, पहले खाना खाते हैं और उसके बाद रिव्यू देंगे बाद में। ओके, तो गाइस, लंच हो गया है। पनीर की सब्जी ओके था, और चपाती बहुत बढ़िया था, एकदम गर्मा गर्म। और बस एक चीज़ जो मैंने मंगाया था, स्वीट लस्सी, वो अच्छा नहीं था। तो आपको अगर बस आना है तो बस रोटी सब्जी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पता नहीं दही कब का था, थोड़ा सा स्मेल आ रहा था उसमें से। तो ठीक है, जो भी है। और बाकी रेट्स का बता दूं तो यहाँ पे जो नॉर्मल पनीर की अगर सब्ज़ी आप मंगाते हो, अगर हाफ प्लेट मंगाते हो, तो कुछ 150 के आसपास पड़ेगा। और चपाती 15 रुपये, मतलब कि जो तवे वाली विदाउट बटर, बटर वाली आपको पड़ेगी 25 रुपये की। और अगर आप कोई वैसे बिना पनीर वाली कोई सब्ज़ी मंगाते हो, मतलब वेजिटेरियन ही है सारा कुछ, तो वो आपको पड़ेगा 100 रुपीज़ के आसपास, 100 या 120 ऐसा कुछ। तो ठीक है, खाना ठीक ठाक था, और इवनिंग में देखते हैं कुछ और ट्राई करेंगे, कहीं और ट्राई करेंगे। तो ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से हॉस्टल के लिए, और हॉस्टल पहुँचने के बाद फिर देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं इवनिंग का, और उसके बाद फिर मिलेंगे इवनिंग में। तो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।